मैं आ गया हूँ संजीवनी बूटी लाने के लिए। देख रहे हो कितने बड़े पहाड़, कितने बड़े पर्वत। यहाँ से संजीवनी बूटी लेकर ही मुझे घर जाना है। हम संजीवनी बूटी लेने के लिए आ गया हूँ। हाय गाइस, तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों। दोस्तों आज है कृष्ण जन्म अष्टमी और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसे हम सिद्धार्थ आश्रम बोलते हैं। और चलिए चल कर देखते हैं मंदिर को और घूमते हैं कैसा रहता है मंदिर का नज़ारा। वाओ गाइज, ये सजावट अगर आप देखेंगे ना, सजावट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लाजवाब है। अगर आप इस मंदिर को एंट्री गेट का ये सजावट है, अभी तो हम अंदर चलते हैं। तो गाइज ये है सिद्धार्थ आश्रम का मेन गेट और गाइज यहाँ माथा टेक के मैं आगे निकल गया मंदिर की ओर। और गाइज ये है मेन मंदिर। ये मंदिर जो है ना काफ़ी शानदार, काफ़ी ख़तरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर बनाया है बनाने वालों ने। काफ़ी ही अच्छा मंदिर है ये कृष्ण भगवान का। अगर आप अंदर घूमोगे ना, ऐसा लगेगा कि हम किसी बड़े बहुत ही बड़ा महल में आ गए हैं। ये तो महल से भी अच्छा हमारा कृष्ण भगवान का मंदिर है। और गाइज ये है मंदिर का विचित्र, जो कि आप लोगों में से कुछ ही लोगों ने ये ऐसा वीडियो जो गाना देखे होंगे। और ये सजावट, अंदर की सजावट जो है ना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ख़तरनाक सजावट है गाइज। अगर आप इस मंदिर में आएंगे ना तो आप घूमते रहेंगे, घर जाने का इच्छा ही नहीं करेगा। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ हम रहते हैं। तो गाइज अगर आप भी कभी आओ ना सिद्धार्थ आश्रम, जरूर जन्माष्टमी में आओ और घूमो। यहाँ पे देखो कृष्ण जी को उनके पिताजी लेके जा रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ से पानी वानी गिर रहा है, काफ़ी अच्छी सजावट किया है उन लोगों ने। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। और अंदर भी अनेक प्रकार की और भी आपको विचित्र देखने को मिलेगा। और पब्लिक का जनसले बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही क्राउड ज़्यादा था, बहुत ही। अभी यहाँ पे म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा म्यूजिक भी चल रहा था, बहुत ही अच्छा म्यूजिक ही लगा रखा था इन लोगों ने। और भी आगे आपको चलिए दिखाते हैं, क्योंकि ये जो म्यूजिक था ना, इसका लाउड जो है ना बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए उस म्यूजिक को मैंने कट कर दिया है, म्यूट कर दिया है। और ये मैं वॉइस डाल रहा हूँ। और आगे अभी आपको देखने को मिलेगा, ये पैर रखने के लिए जगह नहीं था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था गाइज। और चलिए आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते चल रहे हैं। इनका लगभग 500 मीटर में तो ओनली सजावट ही सजावट है। हर प्रकार की यहाँ पे हर भगवान का मूर्ति देखने को मिलेगा। कहीं झरना से पानी गिर रहा है, यहाँ देखो कृष्ण जी, ये सब यहाँ पे कुछ लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ पे फैन वगैरह भी चल रहा है। और यहाँ पे देखो ये मोर और कुछ बच्चे लोगों ने भी यहाँ भगवान के कपड़े पहने हुए हैं। तो गाइस जी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। और गाइज ये अंदर का नज़ारा है, यहाँ पे फैन वैन चल रहे हैं, लाइट वाइट देखो, झूमर उमर भी लगे हुए हैं। और मंदिर के अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और ये आप इधर देख सकते हैं गाइज, ये अंदर जो है ना, अंदर ये मंदिर में अगर आप देखोगे, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटें जो है ना काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, लाल पीले हरे हर एक प्रकार के लाइट लगे हैं। और गाइज यहाँ से मैं प्रसाद लेकर निकल जाता हूँ सीधे लंगर की ओर। यहाँ से जैसे ये बाबा से मैंने प्रसाद लिया और यहाँ पे चल रहा था लंगर, काफ़ी लोग आए हुए थे। गाइज ये देखो, ये जो है ना पार्क है, ऐसा लग रहा है कि ये हम संजीवनी बूटी लेने के लिए आ गया हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, और मैं आ गया हूँ संजीवनी बूटी लाने के लिए। देख रहे हो कितने बड़े पहाड़, कितने बड़े पर्वत। यहाँ से संजीवनी बूटी लेकर ही मुझे घर जाना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।